कहानी नंबर 137। मेरे हालात खराब हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे, रवि और आकाश। रवि बड़ा भाई था। वह दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था और अपने परिवार वालों के साथ मारपीट व गाली गलौज करता था। वह शराब के नशे में हमेशा किसी से झगड़ा कर बैठता था। रवि के इस व्यवहार से घर वाले ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी परेशान थे। दूसरी ओर आकाश एक सरकारी बाबू था। वह बहुत समझदार व विनम्र था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का संवेदनशील युवक था। सभी लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने दोनों भाइयों से पूछा कि आप लोग एक ही माता के संतान हो, दोनों एक जैसे परिवरिश में पले हो, लेकिन आपका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, ऐसा क्यों? रवि तुम बताओ, तुमने शराब पीना, झगड़ा करना, ये सब किससे सीखा? रवि ने गुस्से में कहा, मेरे पिताजी से। वह बहुत नशा करते थे, रोज शराब पीकर घर में मारपीट करते थे, पड़ोसियों से भी झगड़ा करते थे। मैंने सब कुछ अपने पिता से सीखा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो केवल उनका अनुकरण किया है। अब इस व्यक्ति ने आकाश से पूछा, क्या कारण है कि आप इतने अच्छे, विनम्र व धार्मिक स्वभाव के हैं? आपको किससे प्रेरणा मिली? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अपने पिताजी से प्रेरणा मिली। मेरे पिता बहुत नशा करते थे, रोजाना शराब पीकर घर में मारपीट करते थे। मैं उनके व्यवहार से बहुत दुखी होता था। तब मैंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा, वह सदा सही मार्ग पर चलूंगा। मैं इसका भयंकर परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख चुका था। अब अपनी बात पर आते हैं। इस कहानी के दोनों पात्र रवि और आकाश अपनी अपनी वर्तमान स्थिति के कारण अपने पिता को बताते हैं। परिस्थिति दोनों के लिए एक ही है, पर दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। पिता ने एक को शराबी और एक को अफसर नहीं बनाया, बल्कि शराबी और अफसर बनना ये उनका स्वयं का निर्णय था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ लोग जीवन भर बस परिस्थितियों को दोष देते रह जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए कमाल कर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप आगे आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें।